गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फीवर 104 FM पर आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ जनाब आज की खूबसूरत सुबह और एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे से मैं आज आपसे गुफ्तगू करवाने वाला हूं आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं ओहो भाई जितनी ये दिखती खूबसूरत है उतनी ही वो मन से भी खूबसूरत है और आज की आपकी शनिवार की सुबह बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है बिकॉज अब जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं शी इज मिसेस नॉर्थ इंडिया 2017 की ये विनर है और आज आई एम रियली हैप्पी रियली एक्साइटेड एंड रियली अब मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं इनको किस किस नाम से बुलाऊं बट चलिए सीधे इंट्रोड्यूस कर देता हूं हमारे साथ आज सुबह मेरे बिल्कुल साथ में बैठी हैं मिसेस शैली महेश्वरी गुप्ता और इन्हें इसी साल ये प्रेस्टीजियस टाइटल से नवाजा गया है तो शैली सबसे पहले वेरी वेरी वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप हाय व्यूअर्स गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे एंड स्टार्ट योर ब्यूटीफुल डे विद अ स्माइल क्या बात है जो मैंने बोलना था वो इन्होंने बोल दिया ओके मैं एक चीज मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ बट मैं शायद बाद में आपसे पूछ भी लूँ कि आपकी उम्र क्या है क्योंकि आपकी उम्र पता नहीं चल रही है मैं उम्र तो नहीं बताने वाली किसी को क्योंकि ऑब्वियसली जो इतना योगा और जिमिंग करता है फिट रहता है उसे उम्र नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि उसे हार्डवर्क पूछना चाहिए चलिए इनके हार्डवर्क के बारे में पूछेंगे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे बिकॉज शी इज अ वुमन विद मल्टी टैलेंट्स बहुत कुछ है जो ये करती हैं और मुझे शायद एक या दो फील्ड ही होंगी जो अनटच्ड होंगी तो आज सारी बातें करेंगे इनसे पर उससे पहले आइए ये गाने का लुत्फ उठाते हैं फ्यूर 104 एफएम पर आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ फीवर 104 एफएम पर वेरी गुड मॉर्निंग सच अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग इट इज और आज मेरे पास सरप्राइजेस की भरमार है आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव भरने वाला हूं आपके वीकेंड में आज मैं आपका लव कोच राहुल माकिन और मेरे साथ आपकी शनिवार की सुबह को और बेहतरीन बनाने के लिए मिसेस इंडिया 2017 के लिए ये लड़ने वाली हैं बहुत जल्दी अभी मिसेस नॉर्थ इंडिया 2017 बन चुकी है ऑलरेडी इनका नाम है शैली महेश्वरी गुप्ता और शैली जी सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू यू राहुल बट आई आल्सो वांटेड टू नो वन थिंग आपको लव कोच कहा जाता है आई जस्ट वांट बिकॉज माय रिलीजन इज लव सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप सिर्फ प्यार ही फैलाते हैं क्या मैं बिल्कुल मैं प्यार एब्जॉर्ब करता हूं प्यार फैलाता हूं बस प्यार ही प्यार है जी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यू नो मेरे लिए भी सिर्फ प्यार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेजिंग एंड आई लव यू ऑल पीपल थैंक यू चलिए जी अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है व्हिच स्टार्टेड एज एन एस्ट्रोलॉजर आप yes, बचपन yes. से ही एस्ट्रोलॉजी में और स्पिरिचुअल साइंसेस में बहुत ज्यादा आपसे जुड़ी हुई थी yes, yes. तो यहाँ से आप मिसेस इंडिया तक का जो सफर था ये अगर आपको बहुत क्रिस्प बहुत शॉर्ट में बताना हो तो कैसे बताएंगे सही बात बोल रहे हैं राहुल कि ये जो सफर था इट वाज नॉट बेड ऑफ रोजेस डेफिनेटली और मैं लाइक यू नो आई एम अ वेरी डिवोटेड डेडिकेटेड एंड फोकस्ड पर्सन आई एम अ मारवाड़ी आई गॉट मैरिड एट अ अर्ली स्टेज एंड आई हैड गॉट वेरी सपोर्टिव हस्बैंड सपोर्टिव फैमिली सपोर्टिव हस्बैंड एंड आई फेल्ट कि अपने टाइम को मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ सो आई स्टार्टेड लाइक परसुइंग बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्यूटिव बहुत मेरे अंदर लाइक यू नो उसमें क्या बोलती है छठी इंद्रिया व्हाट इंट्यूशन को सिक्स सेंस सो इन दैट केस आई वॉन्टेड टू मेक यूज ऑफ इट कहीं मैं जाती थी मुझे इनर्जीज बहुत फील होती थी अच्छा। और पहले से कहते पूर्वाभास वो हो जाता था अच्छा। मेरा बहुत इंटरेस्ट आया कि लाइक यू नो घर की इनर्जीज अच्छी होनी चाहिए सो आई स्टार्टेड विद लाइक यू नो फेंग शुई एंड रेमेडीज एंड ऑल देन यू नो ऑल ऑफ अ सडन इन 2011 आई रियली गॉट यू नो जैसे आदमी मीडिया में रहे कि बहुत थक जाता है कई बार एंड ही वॉन्ट्स अ ब्रेक
आई ऑल्सो वॉन्टेड अ ब्रेक एक्चुअली. कई बार अपने को टाइम देना चाहिए कि आप क्या हैं, आपको ये नहीं पता. इसलिए मैं ऑब्वियसली आई विल टेल ऑल द वुमेन और ऑल द ह्यूमन बींग्स कि गिव टाइम टू योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ मोर, नो योर सेल्फ मोर, सो यू ग्रो यू नो योर सेल्फ मोर. सो इन दैट केस आई फेल्ट कि डेफिनेटली मैंने जब अपने आप को टाइम दिया, आई वेंट इन टू लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, आई फोकस्ड ऑन माई फिटनेस एंड दैट्स ऑल द रिजल्ट where I came to Mrs. India. Amazing. So, ये journey थी हमारी दोस्त शेली की बचपन से लेके अभी तक. But कैसे Mrs. India North बनी, ये मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगा. कहीं मत जाएगा, फ्यूर 104 FM पर आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ. फीवर 104 एफएम पर आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ. और एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि शनिवार को अच्छे से एंजॉय करना, और दूसरा कि पूरे हफ्ते ढेर सारी मेहनत करनी है. मेहनत अच्छी करेंगे तो अच्छा परिणाम भी निकलेगा. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बैठे हैं. जी हाँ, इनका नाम है द वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस और अमेजिंग पर्सनैलिटी इनका. अब मैं कितनी तारीफ करूं, जितनी करूंगा उतनी कम है. तो शेली महेश्वरी गुप्ता जो कि मिसेस इंडिया नॉर्थ 2017 बनी हैं, और ये बहुत कुछ करती हैं जी. शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी. ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, ऑरा रीडिंग करती हैं, एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, और अब मिसेस इंडिया नॉर्थ भी बन गई हैं. तो आपने इसी साल ये टाइटल फेच किया है. तो आपको किस तरह से इस बारे में पता चला, या आपको किसने रेफर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला? दैट वाज ग्रेट. दैट्स राहुल, आई विल जस्ट टेल यू कि ऑब्वियसली आई गॉट टू नो, आई गॉट अ लिंक थ्रू माई कजन एक्चुअली, शी इज इन कानपुर. यू नो माई कजन मैसेज मी एंड देन शी सेड यू शुड गो फॉर इट. So, मैंने कहा कि उस समय जब आपके पास आया मैसेज तो the first reaction was कि क्या यार, क्या चीज भेज दी है यार. मुझे लगा कि यार क्या यार, now this and like you know people get confused and people also I feel कि ये बड़ी bold decision होता है to be to walking, like कभी जिसने ramp walk नहीं किया, you know you can model out wearing dresses and all party, but it's like you know एक stage पे जाके ramp walk करना and especially अपना introduction देना in all the audience and all, though I was in media but still एक ramp walk was for me for me a big thing. So in that case मैंने पहले सोचा कि अरे छोड़ो. Then like you know ऐसे ही you know my son was there, he's a law student. तो मैंने उसे कहा कि यू नो मेरी मासी ने वो भेजा है कि तुम मिसेस इंडिया में पार्ट लो. तो कहते हैं ओफ ओ मम्मी ये भी करोगे क्या, यू नो ही वाज ही इज लिटिल पोजेसिव. सो तो मैंने कहा कि लेट्स सी, इट्स अ गुड थिंग मेकिंग माय लाइफ मोर प्रोडक्टिव एंड गोइंग टू मोर हायर लेवल. कहते कि देन आई सेड कि अरे ठीक है, लेट्स सी, आई विल टॉक टू पापा ऑल्सो. एंड देन लाइक व्हेन माय हस्बैंड केम, मतलब ही इज ऑलवेज सो सपोर्टिव. आई एम टेलिंग यू, हां मैं कहते ही सेड कि अरे तुम तो फुल पैकेज हो, तुम जाओ. तो फिर आई सेड कि चलो, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन एंड आई रियली फिल द फॉर्म एंड दिस इज एक्चुअली मिसेस इंडिया इज बाय आवर नेशनल डायरेक्टर इज मिसेस दीपाली फडनिस एंड वाओ व्हाट अ वुमन शी इज. व्हेन आई मेट हर शी इज आई कैन से अ वेरी डायनामिक लेडी. She is the one who started like, you know, ki I don't want models. I have to create role models for the society. I was so, मतलब लाइक मैं कह नहीं सकती राहुल कि मुझे ऐसा लगा कि रियली यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ब्यूटी नहीं है, विच आई एक्चुअली आई एम ऑल्सो अगेंस्ट. पीपल शुड बी नोन बाय द इंटेलिजेंस, बाय द माइंड, बाय द वर्क, नॉट अ वुमन ओनली नोन फॉर द ब्यूटी. सो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ अ ग्रेट लेडी, शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब एंड कितनी लोगों की लाइफ चेंज की है उन्होंने. And if she's she'll be listening to me, three cheers to you, Deepali and Mrs. India team. I'm really, really proud to be associated with you all. So Mrs. India North was
only a milestone because it's a bigger target now because ab ye jaane wali hai Mrs. India 2017 ke liye jo Chennai mein hone wala hai. Kab ho raha hai? Yeah, this is on 4th of July. So, chaliye ji, all the best. Abhi Delhi NCR ke sabhi listeners ki taraf se aapko ढेर सारी विशेस और हमारी दिल्ली का नाम आपको रोशन करना है जी. प्लीज गिव मी बेस्ट विशेस सो दैट आई कैन विन. डेफिनेटली आप कहीं मत जाएगा. फ्यूर 104 एफएम पर शेली से हम बातें करना जारी रखेंगे. फीवर 104 एफएम पर आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ और मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बैठी हैं द वेरी इंटेलिजेंट द वेरी गॉर्जियस शेली महेश्वरी गुप्ता, जिन्हें अगर आप देख लेंगे ना इंस्टाग्राम पे इनकी फोटो देख लेंगे आप इनकी एज तो गेस कर ही नहीं सकते. वो तो मैं 100% बता दूं आपको. पर अभी ये फिलहाल इन्होंने जीता है मिसेज नॉर्थ इंडिया 2017 का पेजेंट और ये आपके सर पे जो टियारा है बहुत सूट कर रहा है सीरियसली और ये ताज ऐसे ही बरकरार रहे. यू आर मेकिंग माय डे सैटरडे. इट्स लाइक यू नो आई एम सो सो हैप्पी टॉप ऑफ द वर्ल्ड. चलिए पर एक चीज मैंने सुनी है कि आप बहुत अच्छी ऑरा रीडर भी हैं, है ना? Yes, I've been astronumerologist, aura reader, face reader. I can read your face. तो हाँ चलिए जी अभी आपका असली कार्य शुरू होता है. So, अब बताइए आपको मेरे शक्ल को पढ़ के ऑरा देख के आपको क्या पता चला? See, सच बताऊं मैं हाँ जी बताइए. राहुल यू आर अ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन एंड द मेन थिंग इज ऑल्सो यू आर वेरी फोकस्ड and ambitious, I'm telling you. So, ठीक है, मतलब अगर girlfriend है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि you know, for Rahul can be very loving, but for when it comes to work, he'll forget everything. Wow, क्या बात कर रही हैं आपने? अब मुझे फोन आने शुरू हो जाएंगे. चलिए कोई नहीं. Thank you very much. It was lovely meeting you, Shelly Maheshwari Gupta. और इन्हें अब अगर आपको wishes देनी है, because she is going to contest for Mrs. India 2017 जो चेन्नई में अभी होने वाला है, तो आप प्लीज इन्हें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक. Shelly Maheshwari Gupta के नाम से आप इन्हें फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं और इनका अपना पर्सनल वेबसाइट भी है shelly.in. तो वहां पर भी आप इन्हें जरूर देखिएगा. और अभी आप सुनना जारी रखिए फीवर 104 एफएम क्योंकि देयर लॉट ऑफ पॉजिटिव सरप्राइजेस कमिंग योर वे. कहीं मत जाइएगा.